लेकिन साथ कोई बच्चा अपने माँ बाप को कर सकता है। झूठा इल्जाम लगाया गया कोई करने वाला कोई और, मुझे मुझे बता दिया गया। मैं जेल से भागा हुआ एक कैदी हूँ, मैं अपने टैंक के पीछे को मिटाना चाहता हूँ, मुझे सहारा दे दो, मार की पाओ अरे रख दे वो प्यारे इंसान को आपने सहारा दिया, मैं इस जंगल में कहां भटकता कहां जाता, लेकिन मैं आशा करता हूं तो तुम्हें टापू पंकज नहीं बल्कि टापू पंकज सिंह के नाम से जाना, टापू पंकज सिंह के नाम से ठीक है साहब। आप जैसे कहेंगे तो उसी नाम से कुछ जुड़ जाएंगे। जिंदगी में मुझसे कुछ गलतियां हुई है, शायद मेरे पापों में थोड़ा कमी हो जाए, अगर आप लोगों ने मुझे श्रद्धा नहीं किया है तो हम भी आपको हिदायत देना चाहते हैं। और भाई
करके ही वादा तोड़ दिया है। तो या मैं खुद मारूंगा या तो वो फांसी में फंस कर जाऊंगा। तो बोल रहे हो, मैंने तुमको बताया था कि मैं पहले चलूंगा मंदिर। वही मैं आपसे कहने जा रहा हूँ कि आपके पहले मुताबिक हम जा रहे हैं माता दर्शन करेंगे, उनका आशीर्वाद देंगे, उसके बाद हम आपके साथ आगे बढ़ेंगे। अपने लिए नहीं, अपने छोटे भाई के लिए कुछ मदद दे दो बाबूजी। आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। ये
इतनी मुसीबत देखकर इस बच्चे के लिए भिक्षा दान रहे भैया भैया के राजकुमार भैया नागपुरवा के निवासी है 10 रुपया इतनी मुसीबत देकर भिक्षा दान भैया के नमस्कार घोषित निवासी है इसी मुसीबत देकर कई फिर रिश्तेदार भैया भैया जन स्वास्थ्य यह मुसीबत हमारा देखते हुए क्या रुपए का भिक्षादान हमारे कुछ अच्छे लाख इतनी मुसीबत देखकर 10 रुपये भिक्षादान राम आनंद भैया छोटा सा मुन्ना है राम आनंद भैया नागपुर के निवासी है 10 रुपया इनके मुसीबत देके रहता बाजार देखा था फिर मच्छा रहता भैया जो दीजिए भैया भैया उनकी तरफ से मुसीबत देखते हुए क्या रुपए मिछरान हमारे कंप्यूटर से लग रहा है धन्यवाद नमस्कार ये मंदिर
सुल्तान अहमद ये बात निवासी है, इसकी मुसीबत देखकर ज्ञान के भिक्षागान शीतला प्रसाद भैया शीतला प्रसाद ये नागपुर के निवासी है, घुसी अगर घुसी के निवासी है उनकी तरफ से कई छोटे भिक्षागान भैया नमस्कार जमानी अंकित भैया अंकित भैया नागपुर उनकी तरफ से ये मुसीबत देखते हुए राहुल गुप्ता भैया बोल गप्पा वाले नागपुर के निवासी है, इसकी मुसीबत देख के तस्वीर के रिश्तेदार भैया बोल गप्पा खो चुका है भैया बाबू जी खुलवे के निवासी है, इनकी मुसीबत देखकर सब की ओर से कई तरीके भिक्षागान भैया के नमस्कार हाँ भैया मतलब भाई का पाए हो गया हुआ तो जहाँ रो पा वहाँ हूँ मांग रहे हैं आप कहा कही भैया आपको पास भाई ये रुपया पैसा छोड़ दे गए आपके रोवत नहीं है झूले रोवत नहीं भैया भाई के लिए भैया ये बार हम हाथ जोड़ी का तोड़े गोड़े के लिए भाई रुपया पैसा छोड़ दे जहाँ जोर माना हम सब रहेंगे हमें रुपया पैसा है ना सभी मुझे वही चाहिए वगैरह चाहिए तो भाई रहेंगे पैसा बहुत भैया भैया क्या उठाऊंगा मान रहा हूँ कहा थी मतलब के साथी समय होती पड़े भाने में उतर वहाँ पड़े भाने दुनिया साथी हो साथी में लगे बाहर क्या बिगड़े बंद और बिगड़े बंद ना रोक कर इलाज के लिए मुझे मदद किए बाबू जी और बहन जी जिसके पास भी हिंदी और मदद क्या करेंगे मुसीबत
पता चल रहे थे भाई, मगर सारी कसम खत्म हो गई है। अरे इतना कौन नहीं जा रहा है, अब तो पति से होने नहीं मिलती है। ये लड़का जो क्या बहुत बड़ी मुसीबत कर रही है, अगर नाम के तेरे ऊपर मुसीबत कर गया था या लैपटॉप पर कैसे मिलता था, ये बात भगवान ही जानते हो। केवल 5 दिन का मासूम बच्चा नहीं मिला, भाई कैसे चाह बोलो। क्या रेखा होती देखना चाहिए और बच्चा तो अपनी हवेली में है, हवेली में इसके बाद सोचिए सियोने का छोटा भाई रहता है पांच दिन का जी। बात यह है ऐसे नहीं अपना चेहरा उसकी बात मालूम का हो। मेरा बच्चा कौन नहीं चलिए देखिए आइए बताइए।